सबसे पहले आपको ये पता हो कि स्ट्रेस होता क्या है। हमेशा स्ट्रेस का कनेक्शन डिमांड यानी मांग या उम्मीद तथा एबिलिटी यानी क्षमता से होता है। डिमांड बढ़ती है, क्षमता घटती है और फिर स्ट्रेस होता है। ये डिमांड किसी भी प्रकार की हो सकती है, खाना बनाने का, पार्टी में जाने का, पढ़ाई करने का, ट्रेन में सफर करने का, जॉब पर जाने का। कुछ लोगों को तो हर छोटी छोटी बात पर स्ट्रेस लेने की आदत ही पड़ जाती है। एबिलिटी का मतलब आपकी किसी काम को करने की क्षमता। जब भी कोई काम आता है तो आप अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं या स्ट्रेस लेते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। स्ट्रेस को आप अपॉर्चुनिटी समझते हो या बर्डन, ये भी आप पर निर्भर करता है। अगर आप अपॉर्चुनिटी समझते हैं तो आप पॉजिटिव ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर आप बर्डन लेते हैं तो आप नेगेटिव सोच रखते हैं। स्ट्रेस तो दोनों सिचुएशन में होता है, लेकिन पॉजिटिव स्ट्रेस आपको ज़्यादा असर नहीं डालता, वहीं नेगेटिव स्ट्रेस आपको इतना स्ट्रेस डालता है कि आप बीमार तक हो जाते हैं। आपको कई बीमारियां लग जाती हैं, जैसे माइग्रेन, बीपी, पेट में दर्द रहना, शुगर इत्यादि। ज़्यादातर स्ट्रेस आपको तीन परिस्थितियों से होती है, निजी जीवन से, सामाजिक जीवन से या आपके व्यावसायिक जीवन से। निजी का मतलब हमें हर छोटी छोटी बात पर स्ट्रेस लेने की आदत हो जाती है, जैसे उसमें भी कुछ सूक्ष्म तीव्र स्ट्रेस होते हैं या कुछ दीर्घकालीन होते हैं। तीव्र या सूक्ष्म कह लीजिए आप, जिसे हम बहुत छोटे समय के लिए महसूस करते हैं, और वो स्ट्रेस सकारात्मक स्ट्रेस होते हैं। हाँ जी हाँ, अब आप भी सोच रहे होंगे स्ट्रेस भी कोई सकारात्मक हो सकता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके घर में शादी है, या आपको घूमने जाने की तैयारी करनी है, या फिर आपको पार्टी में जाना है, तो आप स्ट्रेस लेते हैं कि मैं कौन सा ड्रेस पहनकर जाऊँ, या फिर बच्चों के स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन है। इस तरह के स्ट्रेस को हम सकारात्मक स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेस को इंजॉय करते हो। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस, जिसको हम दीर्घकालीन स्ट्रेस कहते हैं, वो कभी नहीं खत्म होने वाला होता है और वो आपको झेलना पड़ता है। जैसे कोई बचपन का हादसा, या आपके जीवन में किसी का बिछड़ जाना, नौकरी चली जानी, फ्यूचर की चिंता, अपने भविष्य की चिंता, जीवन में असफलता इत्यादि। कभी भी किसी प्रकार का भी स्ट्रेस हो तो बस प्रेशर कुकर याद करें, और जैसे प्रेशर कुकर में ज़्यादा प्रेशर होने से सीटी बजती है, वैसे ही ज़्यादा स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस रिलीज करें, वरना कुकर की तरह फट जाएंगे। जब भी स्ट्रेस हो प्रेशर कुकर याद करें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टीचर है। जैसे स्टीम नहीं निकलेगा तो खाना जल जाएगा, ठीक उसी प्रकार आपके माइंड का प्रेशर भी नहीं निकलेगा तो आप भी जल जाओगे, मतलब आप धीरे धीरे किसी भयानक बीमारी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए जब भी स्ट्रेस हो टीचर रूपी प्रेशर कुकर को याद करें। कभी कभी तो स्ट्रेस का कारण सिर्फ इतना ही होता है कि मैं जो सोच रही हूं वो साथ वाले क्यों नहीं सोच रहे। जी हाँ दोस्तों, आप किसी दूसरे के सोच के लिए स्ट्रेस ले रहे हो, जिसे आप बदल नहीं सकते। आप अपनी सोच बदल सकते हो, लोगों की सोच आपकी सोच से परे है। आपको सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि किसी का कोई नुकसान ना हो। और एक पंक्ति मुझे अभी याद आ रही है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे जरा सावधान रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले भाग के साथ।
स्ट्रेस पर विजय कैसे पा सकते हैं। नमस्कार।